तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिकशॉट एप्लीकेशन के मदद से डबल पोज फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा लाइक, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कर दीजिएगा डिसलाइक। और हाँ, इस फ़ोटो एडिटिंग करने में हम जो बैकग्राउंड PNG का यूज़ करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको भी हमसे फ्री में फ़ोटो एडिटिंग कराना है तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिकशॉट एप्लीकेशन में अपना बैकग्राउंड को ओपन कर लिए हैं, तो वीडियो को अच्छे तरह से देखना और समझना। मैं बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा कि डबल पोज फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद हम जाएंगे टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद जाएंगे क्रॉप में, और क्रॉप में जाने के बाद ये 3.4 का जो ऑप्शन है इस पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद कर देंगे डन। और डन हो जाने के बाद अब हम जाएंगे ऐड फोटो में, और दो मॉडल का PNG को करेंगे इसमें ऐड। तो दोनों मॉडल को ऐड करने के बाद, तो अब आप देख रहे हैं कि इसका तो बैकग्राउंड पहले से रिमूव है। तो अगर आपको बैकग्राउंड फुल HD में रिमूव नहीं आता है करने, तो इस पर हमने पहले से दो वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो और अगर आपको आता है तो इसमें कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करने आता है। तो अब हमें दोनों फ़ोटो को कर देंगे अच्छे से यहाँ ऐड, और जो नीचे वाला फ़ोटो है इसका ओपेसिटी कर देंगे करीब 70, और इसे कर देंगे अच्छे से ऐड। और ऐड करने के बाद अब ये जो खड़े वाले पोज है इस फोटो को करेंगे यहाँ ऐड, और ऐड करने के बाद कर देंगे डन। और डन हो जाने के बाद हम जाएंगे फिर से टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद जाएंगे स्ट्रेच पे, और स्ट्रेच पे जाने के बाद अब हम बनाएंगे पानी के लहरे जैसा, मतलब कि ऐसे लगे कि पानी के लहर में ये नीचे वाला फ़ोटो है जो हमारे शैडो बना है पानी में। तो इसके लिए हम जाएंगे ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे, और इस पर फिर से टैप करेंगे, और इसका साइज कर लेंगे अपने मुताबिक से, और इसका पावर रखेंगे करीब 60। और इतना हो जाने के बाद इसका फ़ोटो को करेंगे जूम, और जूम करने के बाद ऐसे करेंगे इस पर क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि पानी के लहरे के जैसा ऊपर नीचे हो रहा है, और इसी तरह से सब जगह पर कर देंगे क्लिक। और उसके बाद थर्ड वाले पर भी करेंगे इसी तरह से क्लिक, और इसका भी पावर कर देंगे 60, और साइज को करेंगे अपने मुताबिक से, और फिर करेंगे इधर से, और इतना हो जाने के बाद कर देंगे डन। तो अब ये हमारा पानी में जो परछाई यानी कि शैडो बना था उसका काम हो गया है। अब हम जाएंगे ऐड फोटो में, और लाएंगे एक सूरज का PNG। और हाँ गाइज, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, अगर आपको हमसे फ्री में फ़ोटो एडिटिंग कराना है तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। उसके बाद हम इसको लाने के बाद जाएंगे ब्लेंड में, और कर देंगे स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद इसे अपने कर देंगे बाजू के पास ऐड, और ऐड करने के बाद कर देंगे यहाँ से डन। और डन हो जाने के बाद अब हमारा फ़ोटो अच्छे से एडिट हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ में, और कर लेंगे फ़ोटो को सेव। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में कर लीजिएगा बेल आइकन को ऑन,
ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उस वीडियो को आप मिस ना कर सके। उसके बाद यहाँ से कर देंगे सेव इमेज। तो दोस्तों हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया है। तो आज का इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ कमेंट करके ये भी बताना कि अगले वीडियो किस टॉपिक पे आए। तो आज के इस वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।